हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द वर्क रूम। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉफ्स के बारे में। इस वीडियो में हम लोग प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉफ्स के एग्जांपल के बारे में भी बात करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है, ऑटोट्रॉफ्स आर ऑर्गेनिज्म डैट कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड। यानी कि ऑटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये ऑर्गेनिज़म खुद से अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं। एंड ये जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक सोर्सेस के मटेरियल्स को यूज़ करके अपना फूड बनाते हैं। द वर्ड ऑटोट्रॉफ कम फ्रॉम द रूट वर्ड ऑटो फॉर सेल्फ एंड ट्रॉफ फॉर फूड। यानी कि ये जो वर्ड होता है ऑटोट्रॉफ, ये दो शब्दों से मिल करके बना होता है। यहाँ पर ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड यहाँ पर ट्रॉफ का मतलब होता है फूड। एंड ऑटोट्रॉफ इज एन ऑर्गेनिज्म डैट फीड्स इटसेल्फ विदाउट द असिस्टेंट ऑफ एनी अदर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि ये जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो खुद से अपने आप को फीड करते हैं। यानी कि ये जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो बिना किसी दूसरे ऑर्गेनिज़म्स की हेल्प के बिना ही अपने आप को फीड करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एग्जांपल्स ऑफ ऑटोट्रॉफ्स की, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्लांट्स के बारे में। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, प्लांट्स विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस सच एज वीनस फ्लाई ट्रैप विच कैन ईट इंसेक्ट्स आर फोटो ऑटोट्रॉफ्स। यानी कि प्लांट्स, जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को खा सकते हैं, जिसमें से एक वीनस फ्लाई ट्रैप आता है, उन्हें हम फोटो ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। यहाँ पर सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है, दे प्रोड्यूस शुगर एंड अदर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फॉर लाइफ बाय यूजिंग देयर पिगमेंट्स सच एज क्लोरोफिल टू कैप्चर फोटोन एंड हार्नेस देयर एनर्जी। यानी कि ये जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोन को पकड़ने एंड अपनी एनर्जी को यूज़ करने के लिए अपने पिगमेंट जैसे क्लोरोफिल का यूज़ करते हैं, एंड शुगर और जीवन को जीने के लिए जैसे अदर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है, व्हेन प्लांट्स आर कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स एनिमल्स आर एबल देन use their energy and those organic materials for themselves। जब ये plants को animals खाते हैं तब ये animals इस तरीके की energy को use कर सकते हैं, and ये जो organic materials होते हैं, जो इनसे organic materials मिलता है उसे अपने लिए use करते हैं। अब next हम लोग बात करेंगे green algae के बारे में। ग्रीन एल्गीज विच मे बी फेमिलियर टू एस पॉन्ड स्कम आर ऑल्सो फोटो ऑटोट्रॉफ्स। यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो ग्रीन एल्गी होती है जिन्हें हम तालाब का मैल बोलते हैं वो भी फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ग्रीन एल्गी मे इन कॉमन फैक्ट बेयर अ ग्रेट रिसेम्बलेंस टू द फर्स्ट कॉमन लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। एंड ये जो ग्रीन एल्गी होती है वो अर्थ पे फर्स्ट लाइफ फॉर्म होती है, ये अर्थ पे फर्स्ट कॉमन लाइफ फॉर्म होती है। साइनोबैक्टीरिया अ ग्रीन बैक्टीरिया डैट ग्रू इन मैट्स एंड बिगेन द प्रोसेस ऑफ टर्निंग अर्थ इनटू अ वर्ल्ड विद एन ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर। यहाँ पर ये बताया गया है, ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ये जो ग्रीन बैक्टीरिया होता है ये मैट्स में बढ़ता है, एंड ये जो मैट्स में बढ़ता है उसके बाद एक ये प्रोसेस स्टार्ट करता है, एंड इस प्रोसेस में ये अर्थ को यानी कि इस वर्ल्ड को ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के रूप में बदल देता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन टेक प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर ये बताया गया है, ये जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस होता है वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से होता है। एंड यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, पिगमेंट एंड सनलाइट इस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की प्रक्रिया के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड कंडीशंस होती हैं।
द कंडीशंस नेसेसरी फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर, यहाँ पर ऐसी कुछ कंडीशंस जो कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, रिक्वायर्ड होती हैं, इनमें से सबसे पहला आता है सनलाइट, सेकेंड आता है क्लोरोफिल, थर्ड आता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोर्थ आता है वाटर। एंड यहाँ पर ये जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो स्टार्च एंड O2 के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।